अबे ये भी सॉफ्टवेयर के अंदर ही दे दिया भाई, ये तो पूरा मार्केट खा जाएगा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स। ऑटो कट फीचर्स इसमें 3 सेकंड्स में सारे कट लगा दिए। चलो इतने एडिट कर रहा है, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। आई एम यूजिंग Adobe Premiere Pro फॉर लास्ट 7 ईयर्स टू एडिट videos. और मैंने इन कुछ सालों में 1000 से भी ज्यादा videos एडिट किया है खाली Premiere Pro का यूज करके। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने कोई और सॉफ्टवेयर यूज किया हो। हालांकि मैंने तो एडिट करना सीखा भी Premiere Pro से ही, और तुम्हारे इन सभी फेवरेट क्रिएटर्स के लिए मैंने हर एक वीडियो Premiere Pro पे ही एडिट किया है। पर 2 दिन पहले मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। नहीं, मैं दुबई में नहीं रहता, बट 2 दिन पहले मेरा एक दोस्त है जिसने नया लैपटॉप लिया और मेरे से ये पूछ रहा था कि भाई कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर बता जहां से मैं वीडियो एडिटिंग सीख सकूं। तो मैंने कह दिया Premiere Pro। भाई बहुत महंगा है, कुछ सस्ता या फ्री बता। हां तो फिर डाविंच। भाई वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ सिंपल बता, और ऐसा भी बता जो मेरे पीसी में इजीली चल भी जाए, क्योंकि इससे पहले तो बस मैंने थोड़ा बहुत फोन में ही एडिट किया है। अभी मुझे लैपटॉप पर एडिट करने की आदत नहीं है, तो कुछ सिंपल बता। सिंपल। फिर मैं सोचने लगा कम बजट में अच्छे फीचर्स के साथ लो एंड पीसी में भी चल सके ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर मुझे ढूंढना होगा। मुझे ऑप्शंस तो बहुत दिखे, बट एक था जिसका नाम बहुत बड़ा था, जिसको पहले तो मैं हल्के में ही ले रहा था कि क्या ही कर पाएगा ये, बल्कि अगर तुम इसको सीख लोगे तो मुझे नहीं लगता तुम कभी भी Premiere Pro या कोई और वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करोगे। और इसका नाम है वंडर शेयर फिल्मोरा। हाँ मुझे पता है तुम लोग बोलोगे क्या बोल रहा है भाई, बट रुको मुझे भी ऐसा ही लगा था। फीचर्स और बाकी चीज देखो फिर जज करना। तो अभी मैं फिल्मोरा डाउनलोड करूंगा और अपनी एक वीडियो इसमें एडिट करके देखता हूँ क्या इसमें खास फीचर्स हैं और क्या ये सही में तारीफ के लायक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है भी या नहीं। डाउनलोड वंडर शेयर फिल्मोरा। तो यह है फिल्मोरा 13, यहाँ से इसको कर लेते हैं डाउनलोड। अब ये हो गया यहाँ पर फिल्मोरा इंस्टॉल। मैं यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे जाता हूँ और लेआउट तो अगर मैं देखूँ मुझे सिंपल ही लग रहा है, जैसा कि बाकी सॉफ्टवेयर में होता है। यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ अपनी कोई भी वीडियो, थोड़ा इस वीडियो को एडिट करके देख लेता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या फीचर्स हैं। तो अभी मैं अपनी वीडियो को थोड़ा ही एडिट कर रहा था और मैंने यहाँ पर 2 ऐसे खतरनाक फीचर्स देख लिए जो मुझे नहीं लगता बाकी कोई भी सॉफ्टवेयर तुम्हें इतने इजीली और इतने फ्री में देता होगा। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर अपनी वीडियो को इंपोर्ट करा, उसके बाद मैं राइट में कलर पैनल में गया और अपनी वीडियो को कलर ग्रेड कर लिया। सबसे पहले तो अपनी यहाँ पर लट लगाई, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स किए और उसके बाद देखो तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करना है उस वीडियो पर जिस पर तुम कलर ग्रेड कर चुके हो। यहाँ पर जाओ, इफेक्ट्स, कॉपी इफेक्ट्स करो। उसके बाद ये मेरी दूसरी वीडियो है ग्रीन स्क्रीन वाली, बट मुझे इस पर भी यही कलर ग्रेड चाहिए, तो मैं बस यहाँ पर राइट क्लिक करके फिर दोबारा इफेक्ट्स में जाऊंगा और पेस्ट इफेक्ट कर दूंगा। और तुम देख सकते हो ये अच्छे से कलर ग्रेड हो गई, वो भी सिर्फ एक ही क्लिक में। उसके बाद एक और चीज, हर सॉफ्टवेयर में तुम्हें ट्रिम और कट के ऑप्शंस तो मिल जाते हैं, बट यहाँ पर एक लेवल एडवांस तुम्हें मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर ये मेरी वीडियो है, मैं इस पे राइट क्लिक करके जाऊंगा स्मार्ट एडिट टूल पर और यहाँ पर तुम देख सकते हो साइलेंस डिटेक्शन, इस पे क्लिक करो। उसके बाद ये तुम्हारी वीडियो में जितनी भी जगह गैप साइलेंस होंगे वहां पर उसको रिमूव कर देगा और तुम्हारा जहां पर तुम सिर्फ बोल रहे हो वो पार्ट ये छोड़ देगा। यानी कि यहाँ पर तुम्हें ये ऑटोमेटिक ट्रिमिंग टूल मिल जाता है। बाकी सॉफ्टवेयर में तुम्हें ये पेड प्लगइन्स यूज करने पड़ेंगे उससे होगा, बट यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर में ही मिल जाता है। करके दिखा देता हूं मैं कैसे। इस पैनल पे आने के बाद यहाँ पर एनालाइज पर जाओ और तुम देख रहे हो ये कैसे ट्रिम करता जा रहा है। बट यहाँ पर जो ऑटोमेटिक सेटिंग्स थी वो थोड़ी अजीब हो रही थी, तो मैंने थोड़ी सेटिंग्स में चेंजेस करे हैं, तुम यहाँ पर देख लेना क्या क्या चेंजेस हैं और तब ये अच्छे से काम करेगा। उसके बाद यहाँ पर फिनिश एंड रिप्लेस कर दो और ये जो मेरी वीडियो थी 1 मिनट को 12 मिनट की, ये हो चुकी है 3 मिनट 20 सेकंड की और मुझे यहाँ पर कट्स भी अच्छे खासा लग रहे हैं। तो सिंपल हमारा कुछ ही सेकंड्स में हो गया काम। उसके बाद सबसे अच्छी मुझे बात यहाँ पर ये लगी कि सभी टूल्स और इफेक्ट यहाँ पर तुम्हें स्क्रीन पर दे दिए गए हैं, तो कहीं भी तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, इफेक्ट्स में जाने की, ड्रैग एंड ड्रॉप करने की कोई भी होता नहीं है। जैसे कि मुझे ग्रीन स्क्रीन रिमूव करनी है, अगर मुझे वो बाकी सॉफ्टवेयर में करनी पड़ती तो मुझे अल्ट्रा की वहां पर ड्रैग एंड ड्रॉप करो, फिर रिमूव करो, फिर सेटिंग्स चेंजेस करो। बट अगर मुझे यहां पर छोटे मोटे काम भी करने हैं, जैसे कि ग्रीन स्क्रीन रिमूव करना हुआ, क्लिक करूंगा अपनी वीडियो पर, AI टूल्स में जाऊंगा, क्रोमा की को इनेबल कर दूंगा और एक क्लिक में तुम्हारा पूरा बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से अगर तुम्हें वीडियो को क्रॉप करना है तब भी कोई इफेक्ट डालने की जरूरत नहीं। यहाँ पर टाइमलाइन के ऊपर अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर तुम्हें देखो क्रॉप टूल के नाम से ये देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करते ही तुम्हारे पास एक नई विंडो खुल जाएगी, अब तुम जैसा चाहो वैसा क्रॉप कर सकते हो। एक और फीचर मुझे यहाँ पर देखने को मिला जो बाकी सॉफ्टवेयर में अगर होता तो दिल बड़ा खुश हो जाता, बट वो सिर्फ तुम्हें फिल्मोरा में देखने को मिलता है। तुम यहाँ पर मल्टीपल क्लिप्स को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद बेसिक्स में आ जाऊंगा मैं और मैं यहाँ पर वीडियो की पोजीशन, रोटेशन, जूम इन जूम आउट सब कुछ चेंज कर सकता हूँ। अब तुम कहोगे ये तो सिंपल चीज है भाई, ये बाकी सॉफ्टवेयर में भी हो जाती है, बट नहीं, वहां पर तुम मल्टीपल क्लिप्स को सिलेक्ट करके ये सब नहीं कर सकते, तुम्हें एक एक क्लिप के साथ ये सब करना पड़ेगा। और मान लो तुम्हें उन्हें फ्लिप करना है, रोटेट करना,
करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर एक सिंपल बटन दे दिया गया है। ऐसे फ्लिप कर सकता हूँ और सारी क्लिप्स जितनी भी मैंने सिलेक्ट करी हैं वो सब फ्लिप हो जाएंगी। बट अगर यही सेम चीज हम प्रीमियर प्रो में करके देखें तो यहाँ पर एक क्लिक, उसके बाद मैं जाऊंगा इफेक्ट्स वाले पैनल पे, दो क्लिक, यहाँ पर डालूंगा फ्लिप, तीन क्लिक, टाइप भी करना पड़ा और यहाँ आ गया हॉरिजॉन्टल फ्लिप, वर्टिकल फ्लिप, मुझे जो भी चूज करना है उसे ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर करूंगा मैं। बट फिल्मोरा में जितनी क्लिप चाहो उतनी क्लिप को सिलेक्ट करो और एक क्लिक में तुम फ्लिप कर सकते हो, रोटेट भी कर सकते हो। उसके बाद एक और यहाँ पर खतरनाक फीचर है मोशन ट्रैकिंग, आओ बताता हूँ कैसे होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर तुम एक टेक्स्ट लेयर बना लो, यहाँ पर क्लिक करो क्विक टेक्स्ट, यहाँ पर एक लेयर बन जाएगी, डबल क्लिक करो, चेंजेस कर दो, यहाँ पर टेक्स्ट यहाँ है। अब यहाँ पर टाइटल्स में जैसे ही जाओगे तुम तो यहाँ पर तुम्हें बहुत सारे प्रीसेट देखने को मिल जाएंगे। आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये सही है, यहाँ पर ये मैंने बना लिया यहाँ पर टेक्स्ट। अब इसे मुझे मोशन ट्रैक करना है अपने सिर के ऊपर, अगर तो मैं यहाँ पर जाऊंगा और अपनी उस वीडियो को सिलेक्ट करूंगा जिसपे मुझे मोशन ट्रैक करना है। यहाँ पर तुम्हें ऑप्शन देखने को मिलेगा ऊपर, ये देखो मोशन ट्रैकिंग। यहाँ पर बॉक्स को अपने सिर के ऊपर रख दो, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, और यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा तुम्हें क्लिक टू मोशन ट्रैक, इस पे क्लिक करो। अब मोशन ट्रैक अब अगर तुम देखो तो हमारे सिर पे हो चुका है बट टेक्स्ट अभी भी नहीं हिल रहा है। उसके लिए लिंक एलिमेंट यहाँ पर तुम्हें देखने को मिलेगा, इस पर जाओ, बेसिक वन यहाँ पर करके आ रहा है, बेसिक वन यानी कि तुम्हारी लेयर, इसको सिलेक्ट कर लो और अब तुम देख सकते हो हमारा टेक्स्ट मोशन ट्रैक होने लगा हमारे सिर के ऊपर। उसके अलावा मैंने यहाँ पर एक और चीज देखी, जैसे ही मैं वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ तो तुम्हें राइट में यहाँ पर बहुत सारे AI टूल्स देखने को मिल जाते हैं। इनको चेक कर लेते हैं ये क्या क्या है। सबसे पहले तो हमारा क्रोमा की जो हम यूज कर चुके हैं, AI पोर्ट्रेट, अच्छा अबे ये तो बहुत सही कर दिया यार। तो AI पोर्ट्रेट की मदद से तुम अपनी किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड हटा सकते हो। आओ तो मैं इसका यूज करके एक बहुत ही सुंदर सा इफेक्ट बनाना सिखाता हूँ जो हर वीडियो में मैं यूज करता हूँ अपनी। सबसे पहले अपनी वीडियो को डुप्लीकेट कर लो, यहाँ पर तुम्हें ढेर सारे पहले से ही टाइटल्स देखने को मिल जाते हैं। मुझे ये नियॉन वाला पसंद आ रहा है, मैं यहाँ पर इसको प्लस पर दबाऊंगा और ये हमारे टाइमलाइन पर आ जाएगा। इसको साइज छोटा कर लेंगे अपनी वीडियो के मुताबिक, ये दिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि यहाँ पर हमारी एक ऊपर वीडियो है, इसको हाइड कर देंगे, इसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। तुम्हें कहीं भी सेटिंग्स में भी जाने की जरूरत नहीं, तुम अपने टेक्स्ट को पकड़ के ही ड्रैग कर सकते हो। ये छोटे छोटे सिंपल फीचर्स भी तुम्हें बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में देखने को नहीं मिलते। अब ये देखो मुझे ये टेक्स्ट अपने पीछे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सबसे ऊपर वाली वीडियो जो हमने हाइड की थी उसे अनहाइड करेंगे और अब मैं AI पोर्ट्रेट को इनेबल कर दूंगा और ये टेक्स्ट चला गया तुम्हारे बैकग्राउंड में। देखो कितनी देर में हमें तीन इमेजेस दे देते हैं। उसके बाद बाकी AI फीचर्स भी देख लेते हैं, जैसे कि स्टेबलाइजेशन भी तुम्हें यहाँ पर मिल जाती है। मेरे पास यहाँ पर अपनी ये वीडियो है, इसको मैं स्टेबलाइज करके देख लेता हूँ। इस पर इनेबल कर देते हैं स्टेबलाइजेशन। अब ये देखते हैं कितनी सेकंड्स लगाता है, अराउंड 3 सेकंड्स लगाई इसने, थोड़ी शेकी तो थी फुटेज। हाँ ये अच्छा काम कर जाएगा बट अगर तुम्हारी कुछ ज्यादा ही शेक हो रही है फुटेज तो शायद ये थोड़ा अजीब कर दे, क्योंकि अभी भी तुम देख सकते हो कि थोड़ा सा तो शेक हो रहा है। उसके बाद स्मार्ट कटआउट फीचर यहाँ पर देखने को मिल जाता है, AI पोर्ट्रेट का ये थोड़ा एडवांस वर्जन है। यहाँ पर क्लिक टू स्मार्ट कटआउट करूंगा अगर मैं तो यहाँ पर एक विंडो खुल जाएगी, उसके बाद तुम अपने कैरेक्टर पे ऐसे ड्रॉ करके अपने आप को सिलेक्ट कर सकते हो और फिर तुम्हें यहाँ पर ये बटन दबाना है क्लिक टू स्मार्ट कटआउट, ये ट्रैक करेगा तुम्हें। एजेस अगर तुम देखो तो यहाँ पर थोड़े से शार्प है, मतलब इतना यूजेबल नहीं है स्मार्ट कटआउट। अगर तुम्हें किसी प्रोजेक्ट में जरूरत ही पड़ने वाली है इस चीज की तो शायद ये थोड़ा बहुत काम कर जाए बट इतना अच्छा मुझे फीचर नहीं लगा। AI पोर्ट्रेट बहुत ही अच्छा है, स्मार्ट कटआउट में इतना कुछ खास लगा नहीं। उसके बाद तुम्हें यहाँ पर वीडियोस में ही एनिमेशन भी देखने को मिल जाती है, जैसे कि मैं यहाँ पर स्लाइड अप वाली एनिमेशन लगा दूंगा तो ये स्लाइड अप होके आ जाएगी। तो मतलब तुम देखो सब कुछ तुम्हें इसी स्क्रीन पर दिया गया है, एक क्लिक में तुम सब कुछ कर सकते हो। इफेक्ट तो ये भी बहुत बढ़िया है, स्लाइड इन वाले मैं हमेशा यूज करता हूँ अपनी वीडियो में, बस यहाँ पर मैं इन की फ्रेम्स को थोड़ा स्मूथ कर पाता तो वो अच्छा होता। इन्होंने यहाँ पर की फ्रेम पैनल ऐड तो कर दिया है बट यहाँ पर मैं ईज इन या ईज आउट नहीं लगा सकता इनमें। बट अगर मैं यहाँ पर खुद से एनिमेट करता हूँ पोजीशंस को तब मैं यहाँ पर की फ्रेम्स में ईज आउट ईज इन लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर ये की फ्रेम पैनल इन्होंने अभी अभी इंट्रोड्यूस किया है शायद नया, इसलिए यहाँ पर न्यू लिखा रहा है। तो देखा जाए तो अगर कोई नया बंदा है वो वीडियो एडिटिंग सीखना चाहता है तो फिल्मोरा से बिल्कुल सीख सकता है, क्योंकि अब ये बिल्कुल भी बिगिनर या फिर ऐसा सॉफ्टवेयर रहा नहीं है। यहाँ पर बहुत ही एडवांस फीचर्स भी तुम्हें देखने को मिल जाते हैं, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। जितना तुम बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में महीने का दोगे यहाँ पर पूरे साल का पैकेज ले सकते हो तुम। तो अपनी वीडियो को थोड़ा और एडिट करके देखता हूँ कि यहाँ पर और क्या क्या खास फीचर्स हैं।
उसके बाद मुझे यहाँ पर दो और ऐसे फीचर्स मिले जो बहुत ही खतरनाक है। सबसे पहला है ऑडियो में जाओ और यहाँ पर तुम्हें AI म्यूजिक देखने को मिलेगा। यहाँ पर तुम्हें करना है स्टार्ट। अब यहाँ पर तुम्हें अपनी वीडियो का मूड सिलेक्ट करना है, जैसे कि सस्पेंस मैं सिलेक्ट करूंगा, टेम्पो नॉर्मल कर देंगे, म्यूजिक ड्यूरेशन मैं कर देता हूँ अराउंड 4 मिनट, और कितने म्यूजिक ट्रैक चाहिए तो मैं वो यहाँ पर तुम सिलेक्ट कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक बारी में कर सकता है। हम 6 के 6 जनरेट करेंगे स्टार्ट। तो यहाँ पर ये AI की मदद से हमारा म्यूजिक जनरेट करेगा, वो भी नॉन कॉपीराइट, और तुम्हें कहीं भी किसी वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, यही सॉफ्टवेयर में सब कुछ तुम्हें देखने को मिल जाएगा। और ये पहला गाना तो जनरेट भी हो चुका है, इतने में हम बात कर रहे थे। सही है यार, ये म्यूजिक तो लग ही नहीं रहा है, AI ने जनरेट किया है। तुम यहाँ से इसको प्ले कर सकते हो, और अगर तुम्हें अपनी वीडियो में इसको यूज करना है तो तुम्हें यहाँ पर डाउनलोड का बटन दबाना है और प्लस, और तुम्हारी ये टाइमलाइन पर आ गया म्यूजिक। उसके बाद तुम यहाँ से इसको ऐसे ड्रैग करके इसकी वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हो, सिंपल। अब म्यूजिक वाला फीचर तो यहाँ पर अच्छा है, बट यहाँ पर तुम्हें एक ऑडियो इनहेंस का भी फीचर देखने मिलता है, बट मैंने वो यूज किया और मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं। ये है मेरी ऑडियो विदाउट AI इनहेंस। तो इसीलिए सबसे पहला स्टेप है हमारा उसका इंस्टाग्राम बनाना। और अगर मैं यहाँ पर ऑडियो में जाकर AI स्पीच इनहेंसमेंट इनेबल कर देता हूँ, तो इसीलिए सबसे पहला स्टेप है हमारा इसका इंस्टाग्राम बनाना। तो ये इसने थोड़ा बॉक्सी साउंड कर दिया है और ऐसा लग रहा है ये रूम के अंदर से आवाज आ रही है, और ऊपर से मैं यहाँ पर इसका परसेंटेज भी चेंज नहीं कर सकता हूँ, कम ज्यादा कर लूं। तो अगर ये तुम्हारे रूम के हिसाब से, तुम्हारे एनवायरमेंट के हिसाब से थोड़ा अच्छा है तो यूज करो, नहीं तो इसको मत ही करना यूज, अभी के लिए तो बकवास फीचर है। उसके बाद ऑडियो के बाद तुम यहाँ पर अगर स्टॉक मीडिया में आ जाओ तो तुम्हें यहाँ पर लाइब्रेरी में बहुत सारी स्टॉक वीडियोस देखने को मिल जाएगी सॉफ्टवेयर के अंदर ही। बट अगर तुम्हें कोई खास इमेज चाहिए और वो कहीं पर भी नहीं मिल रही है तो यहाँ पर AI इमेज पर जाओ और यहाँ पर जो भी तुम्हारी इमेजिनेशन है, जैसे कि मैं डालूंगा शार्क ऑन चेयर, और ये AI का यूज करके मेरी इमेज बनाने लगेगा शार्क ऑन ए चेयर की, या फिर जो भी मैं यहाँ पर डालूंगा वो, और फिर तुम उसको अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो। कितना बढ़िया फीचर है, मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर सब कुछ कर सकता। और ये इमेज इसने जनरेट की है, अब चाहूं तो मैं इसको यहाँ से डाउनलोड करके टाइमलाइन पर डाल सकता हूं। बस ये टाइम बहुत ज्यादा लेता है, इसने 3-4 मिनट ले ली इस एक इमेज को जनरेट करने के लिए। तो अगर तुम पूरी वीडियो एडिट करना सोच रहे हो खाली इसकी मदद से तो शायद वो तुम नहीं कर पाओ, बट कभी कभी ऐसा होता है स्टॉक इमेजेस में हमें वो सब नहीं मिलता जो हमें जरूरत होती है, तब तुम इसका यूज कर सकते हो। इन छोटी छोटी चीजों की वैसे वैसे तो 1-1 सेकंड टाइम सेव होता है, बट अगर तुम ये 1-1 सेकंड भी बचा रहे हो तो पूरी वीडियो में तुम बहुत टाइम सेव कर सकते हो। और आई थिंक इन्हीं चीजों की वजह से मुझे ये सॉफ्टवेयर बहुत ही इजी टू यूज लगा। अब पहले यहाँ पर बहुत ही यूजफुल चीजें मिसिंग थी, जैसे की फ्रेम पैनल, मुझे इमेज को एनिमेट करना है अपनी तरह से तो मैं नहीं कर पाता था, बट यहाँ पर वो सब दे दिया गया है। AI फीचर CC के अंदर तुम्हें दे दिया गया, तो मुझे लग रहा है बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को टक्कर दे सकता है, क्योंकि तुम इसे लो एंड PC पे भी रन कर सकते हो और बिगिनर बंदा भी इसमें वीडियो एडिट करना सीख सकता है। तो शायद अब से कोई मेरे से पूछेगा सिंपल और थोड़ा सस्ता एडिटिंग सॉफ्टवेयर बता भाई कोई जो PC में यूज कर सकता, तो मैं फिल्मोरा का ही नाम लूंगा, जो कि यहाँ पर तुम्हें भर भर के फीचर्स देखने को मिल जाता है। और अगर इसी तरह की भर भर के नॉलेज तुम्हें चाहिए तो इस चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को कर देना सब्सक्राइब, पहले बता रहा हूँ वीडियो को सब्सक्राइब करना है।